हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एटीसी अजमेर। इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार अलग अलग एग्जाम्स के लिए बच्चों के नॉलेज के वीडियोस बनाते जा रहे हैं, और अभी हमने करंट अफेयर्स का एक सीरीज चालू रखा है, जिस सीरीज में हम करंट में जो भी चर्चाएं देश दुनिया में हो रही हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ एक ऐसी चीजें जो कोई कंफ्यूजन यदि होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में ही वादा करा था कि मेरा हर एक सोर्स ऑथेंटिक होगा, ताकि लोगों तक एक सटीक जानकारी पहुंच सके और कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी भ्रम किसी के बीच न रहे। हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है और हम सब उसको देख रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। इस बीच एक टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज था कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक तो सही जानकारी पहुंचाई हुई, देश के सभी लोगों तक इस वीडियो और चैनल के माध्यम से सही जानकारी पहुंचा सकूं। कोरोना वायरस को लेकर पहला एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें लॉकडाउन से संबंधित मैंने एमएचए की गाइडलाइंस को आपके सामने रखा था, और वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स से था। इस वीडियो में मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो चार स्टेजेस कोरोना वायरस के स्प्रेड की देश में बताई गई हैं, दुनिया को बताई गई हैं, उसके बारे में आपको आज जानकारी दूंगा। WHO ने कोरोना वायरस स्प्रेड के चार स्टेजेस बताए हैं, देश में बहुत पैनिक का माहौल है। इस बीच मैं आपको उन स्टेजेस के बारे में बताकर भारत की स्थिति और उनकी तैयारी किस दौर पर सही समय पर शुरू हुई है या नहीं हुई है, इसकी जानकारी इस वीडियो से दूंगा। मेरे पास एक कागज रखा है, इस पर WHO से निकाली गई रिपोर्ट ही है, जिसमें पैंडेमिक कोरोना वायरस के चार स्टेजेस की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। मैंने उन इंफॉर्मेशन को बहुत इजी गोइंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। कोरोना वायरस से रिलेटेड चार स्टेजेस हैं जो उसके स्प्रेड के लिए जानी जाएंगी। पहली स्टेज जो है वो स्टेज तब आती है जब उसके सोर्स कंट्री से वायरस निकलकर किसी और देश में पहुंच जाता है और उस दूसरे देश में पहली बार कोई केस रजिस्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब फर्स्ट केस कोरोना वायरस का रजिस्टर होता है तो उस स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज बोलेंगे, और वो फर्स्ट केस उस देश में होना चाहिए जो कि सोर्स कंट्री ना हो। इसका मतलब ये हो गया है कि कोरोना वायरस का सोर्स कंट्री चाइना है। चाइना के बाहर यदि किसी और कंट्री में एक भी केस रजिस्टर्ड होता है तो वो कंट्री फर्स्ट स्टेज की कैटेगरी में आएगी। भारत इस कैटेगरी से आगे निकल गया है, इंडिया में हम इस कैटेगरी से बाहर आ गए हैं। इसके बाद कैटेगरी या स्टेज टू है, इस स्प्रेड की सेकंड स्टेज है। ये स्टेज तब आती है जब हम किसी एक उस देश में हैं, वहां पर एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो वायरस दूसरे पर्सन को जो कि हेल्दी है ट्रांसमिट हुआ है। बट यहां पर अच्छी बात यह है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ वायरस को ट्रेस करना आसान है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ वायरस कैन बी आइडेंटिफाइड कि यहां पर किस इन्फेक्टेड पर्सन से किस हेल्दी पर्सन तक वायरस ट्रांसफर हुआ है, इसको हम ट्रैक कर पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया सेकंड स्टेज पर बहुत ही बेहतरीन काम सरकार की तरफ से यहां पर हो रहा है। इंडिया आज सेकंड स्टेज पर है, और इस सेकंड स्टेज पर सरकार ने लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है उससे थर्ड स्टेज पे इसके पहुंचने की संभावनाओं में बहुत हद तक कमी आएगी। सेकेंड स्टेज में ट्रेजेक्ट्री में मैंने जैसे आपको बताया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ वायरस कैन बी आइडेंटिफाइड कि यहां पर सोर्स कौन था और इन्फेक्टेड उससे कौन हुआ है, हम ट्रैक कर पा रहे हैं। तभी तो देश में हम क्वारंटाइन कर पा रहे हैं आसानी से, और लोगों को ट्रैक कर सेल्फ आइसोलेशन में या फिर गवर्नमेंट के आइसोलेशन में रख पा रहे हैं। इंडिया सेकेंड स्टेज पर है और सरकार ने इसी स्टेज पर लॉकडाउन का निर्णय लेकर बहुत अच्छा काम करा है। स्टेज थ्री जो थर्ड स्टेज है वो एक ऐसा स्टेज है जो चिंता का स्टेज हो सकता है। ये उस स्टेज में है जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसका बढ़ जाता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम बस इतना सा है कि आप ट्रैक करने के लेवल से बाहर निकल गए हो, आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ वायरस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एक आदमी इन्फेक्ट था, उसने दूसरे को फैलाया, दूसरे ने बहुत सारों को फैलाया, और वो जाकर बहुत सारों से मिल लिए। इस तरह से यदि हो जाता है तो हार्ड टू ट्रैक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, हम ट्रांसमिशन का चेन ही नहीं पकड़ पाएंगे कि हम कौन आदमी इन्फेक्टेड है और कौन आदमी इन्फेक्टेड नहीं है, और ये आदमी इन्फेक्टेड हुआ है तो किससे हुआ है, वो चेन ही नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि ये 5 से 50, 50 से 500, 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 50000, 5 लाख ऐसे पहुंचेगा, और जब ऐसे आंकड़ा बढ़ने लगता है तब ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है।
दुनिया में चाइना, इटली, यूके, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अभी थर्ड स्टेज पर पहुंच गए हैं। इंडिया इस स्टेज पर अभी नहीं है, तो हमारे लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के डिसीजन इन सब देशों ने इस स्टेज पर आने के बाद लिए थे। इंडिया में सरकार ने लॉकडाउन सेकेंड स्टेज पर लिया है, ये हमारी सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है, ये उनकी प्री प्लानिंग को दिखाता है, ये उनकी इंटेलिजेंस को दिखाता है कि उन्होंने सेकेंड स्टेज पर ही थर्ड स्टेज पर होने वाले डिसीजन को ले लिया। इन सब देशों ने, चाइना, इटली, यूके ने, ये सारा डिसीजन थर्ड स्टेज पर लिया था। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, व्हेन इन्फेक्शन बिकम्स एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि उसी देश का जनरेटेड इन्फेक्शन हो जाए, वो उस देश का घरेलू इन्फेक्शन बनने लग जाए। यहां पर सरफेसिंग जो है वो रिसर्फेसिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और ये रिसर्फेसिंग राउंड द ईयर चलती रहती है। आज इंडिया में जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये फोर्थ स्टेज की डिजीजेज है, और ये डिजीजेज अब यहीं पर ही रिसर्फेस होती हैं। अगर हम फोर्थ स्टेज में पहुंचता है कोई देश, तो उस कंडीशन में वो देश रिसर्फेसिंग करने लग जाएगा इस वायरस की। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड ये चार स्टेजेस हैं। आई होप आपको ये चारों स्टेजेस अब क्लियर हो गई होंगी। इंडिया अभी सेकंड स्टेज में है, जहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, चेन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति से किस व्यक्ति को ये ट्रांसमिट हो रहा है। चाइना, इटली, यूके थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हैं, बहुत चिंता का विषय है। फोर्थ स्टेज में जनरली वो लेवल आता है जब वो रिसर्फेसिंग वाला होता है। अभी तक कोई देश फोर्थ स्टेज वाली सिचुएशन में नहीं है, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना सोर्स ही रहा है इसका। आई होप आपको इस वीडियो के बाद कोरोना वायरस के चारों स्टेजेस समझ आ जाएंगे, और उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर लोगों की कंफ्यूजन को भी दूर करोगे, पैनिक को भी कम करोगे, और कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ाओगे इंडिया को लेकर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ऑथेंटिक जानकारी को पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी लगातार हम जानकारी अपडेट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये जानकारी हमारे यूपीएससी के आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, साथ साथ स्टेट बोर्ड और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो लोग काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।